गर्ल नोट की थी तू खबर मले के कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेनी पई है कि तू दो बेड़ियां दी सवार तू ना समझी यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे हो? बिल्कुल। बैठो बैठो। हाँ क्यों नहीं, उधर बैठो, उधर बैठो। यही तरीके बैठना हम भी कहा। यार ठंड बड़ी ज्यादा बार हो रही है। चाचा मेरे पता नहीं कौन रह गया यार, मैंने कहा मैं ढंग ही ना दे। क्यों सोने तो कोई ट्रक लगाना है? मैं पूछ सकता हूँ तू क्या करना है? क्या मतलब है? अनजान बनने की कोशिश ना कर। असि पूछ सकने हैं तेरा इस दे नाल रिश्ता क्यों है? रिश्ता? तू इसी सब क्लास फेल हो? भतीजे तू इन्हें मामला से दूर ही रह। आखिर क्यों? एक और होते मेरे मामला में मुदाखलत करने वाला। साहब मैं समझना वा कि मेरी धी उत्ते कातिलाड़ा हमले की फाइल दाखिले दफ्तर हो गई है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गरीब ते लावारस लोगों के केसेस मामूली इन्वेस्टिगेशन के बाद दाखिले दफ्तर हो जाते। नहीं नवाब साहब, यह यकीन साड़ी गलत फहमी है। पुलिस हर केस में ईमानदारी ने ट्रीट कर दी है। सने अपने वालों पूरी कोशिश की है कुछ पेशावर बदमाशन अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन की थी। नतीजा तो बड़े सामने गए नवाब साहब। गिले शिकवे की बजाय अगर तुसी प्रैक्टिकली कोऑपरेट कर दे तो नतीजा यकीनन तसली बख्श होगा। लेकिन न तो सुहाने कोई ताउन किया है और ना ही रुमान बेटे ने कुछ जाहिर किया। सच कहने शाह साहब के पुलिस अपनी नाकामी उत्ते पर्दा पाने वास्ते प्लेंटिफ नु इस तरह इंटरोगेट कर दी जिस तरह वो साइल ना हो गए, मुजरिम हो गए। नहीं नहीं नवाब सर, पुलिस डिपार्टमेंट दे फर्ज शनास ते ईमानदार एहलकारां दी कमी नहीं गी, तदी ते ये निजाम पिया चलता है। फिर भी अगर तुसी मुतमईन नहीं हो तो तफ्तीश अफसर सवाड़ी मर्जी ते लगाया जा सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा शाह साहब हूँ मैं इजाजत लेसा, थोड़ा फाइल वर्क का टाइम भी हो गया। सौरा केस में इंस्पेक्टर रुस्तम के हवाले कर देना। थैंक यू। यू वेलकम। लो कृष्मा, हुण तक खबर मलिक का असली चेहरा तेरे सामने है ना, और तेरा भी के मतलब है तेरा यार? देख खबर मलिक तेरे नाल फ्लर्ट पिया कर दे। मैं तेनु स्पॉयल होने से बचाना चाहनी हूँ, तेनु समझ क्यों नहीं आती इश्मा? आई एम नॉट अ किड रुमान। यार आई नो दैट, लेकिन तेने नोट नहीं किया कि जदों भी खबर मलिक तेरे नाल गल पिया करदा है ते मुखातिब मनु रखता है।
मैं जाननी है कि तू जेलिस है। उफल्ला मैं तेनू किस तरह समझावा। देख मेरा मकसद सिर्फ ते सिर्फ तेनू खावर मलिक तो उसके दोस्तों की असलियत बतलावा। मैं सब समझनी हूँ क्योंकि तू जेलिस है। खावर लव्स मी। ओह माय गॉड। बीबी जी कम। इश्मा बीबी जी इंग्लैंड गेस्ट कम। अस्सलाम वालेकुम। नाजिया तू यार तो प्लेजेंट सरप्राइज। इतना अचानक। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहनी था यार। तू भी ना ना कोई ईमेल ना कोई लेटर ना टेलीफोन कॉल अचानक ही। क्या हाल है तेरा? तू सुना। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तू सुना। बिल्कुल ठीक। हे मैं भी हां। हां ये कौन है? ए तू नहीं जानती? नहीं बाहर देख। नहीं यार दस ना कौन है? ए मेरी बेस्ट फ्रेंड है इश्मा। इश्मा? अच्छा इश्मा। नाजिया। हाँ ये क्या हाल है? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे गल कहूँ तुसी दोने एक्टिंग बड़ी जबरदस्त कर दे। मैं तो इस तरह लगा जैसे तुसी दोने पहली बारी मिल दे। दो साल ही तो हैं। Look again, she's jealous. Oh my God, Ishma. Okay, I'm back to you. Fair meals, Nian. Okay, Jan. Okay. Allah Hafiz. Bye. अच्छा तू इतनी बात। हाँ। सब। मैंने ये बतला कि तेरा सफर किस तरह का? Oh God, जी, very good. बीबी जी ये सामान। तू और तो कितने खिलौता है? जी, God जी, I go. गाल का सोन। जी। इस सामान मेरे कमरे से रखिए। अच्छा। जी। बीबी जी। लेकिन तुम्हें नया बतला कि तेरा सफर किस तरह गुजरा? मेरा सफर बहुत ही अच्छा। लेकिन गल पूछा। हाँ पूछ। अचानक इतना बड़ा सरप्राइज। हाँ इसके पीछे क्या रीजन है? यार कोई रीजन नहीं है, कुछ भी नहीं बस। अच्छा ये बतला कि पाकिस्तान में हूँ कितना अरसा रह सी? पाकिस्तान कितना अरसा रह सा? मैं हूँ तो आई हूँ तो तू मेरे हूँ जाने से प्रोग्राम बनाने शुरू कर देते ने। वाह मेरी जान मेरा ये मतलब नहीं आया। मैं ये पूछना चाहनी हूँ कि तुसी जनाब कितना अरसा साढ़े घर स्टे कर सो? मैं हूँ किधरे भी नहीं जाना। मैं इतने ही रह सा अभी तेरे कोल तेरा सिर खसो। सच नाजिया? बाकी अच्छा फिर तेरी स्टडी का क्या बन सी? स्टडी यार ठीक कर सा। पापा चाहते ना पापा चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान से रहा तो शादी भी पाकिस्तान में ही करा। वाह मैंने तो दालत कुछ काला पे नजर आ गया। ए दस नहीं यार इंटरनेट पे। नहीं यार मैं भी चाहनी था कि मैं पाकिस्तान जावा तो पाकिस्तान का कोना कोना देखा। अच्छा चले तो बहुत अच्छी गल है। मैं तेन खूब सैर करा सा। ठीक है सो वेयर इज माय बेडरूम? ओ तेरा की ख्याल है कि मैं तेन आराम कर दें जैसा? लेकिन चल थोड़ी देर गला कर दे। चल पता नहीं चाचू वो भी मनु पसंद कर दिए कि नहीं। कभी तो उसे होंठा दे हासे पर डुल जाते ते कभी वो किसी ने सीधे मुंह गल भी नहीं कर दी। अच्छा तो इसका मतलब ये है कि वो भी तनु बढ़ाती पई है? चाचू देख चाचू ये मजाक अच्छा नहीं लगता। मेरी जान ये मजाक नहीं गा ये हकीकत है क्योंकि जमील वो पहले बढ़ा चुकी है जिस दी वजह नाल जमील ते खावर दे विचकार तू मैं होई ही। इसका मतलब है कि खावर मेरे नाल भी मुंह पा सकदा? यकीनन खावर रोमान नू इस कदर लाइक कर दे कि उसका परछावां भी उस नाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओ इसका मतलब ये होया कि खावर दी जमील दे नाल असल झगड़े दी वजह ये हुई। लेकिन चाचू ना तो मैं जमील हूं तो ना मैं खावर नू खातर च लिया। मेरे कहने का यह मतलब नहीं आया। मेरे होनिया किसी की यह जरूरत नहीं गी कि तेरे वल मैली अख नाल वेखे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो भाईजान ने साढ़े नाल यूनिवर्सिटी कर पढ़ दे। अच्छा की नाम है भाई तेरा? मेरा नाम गुलजेब। गुड मेहनत करो बेटे। हाँ भाई सॉरी पढ़ाई कैसे जा रही? हाँ ए वाना गाजी अम्मा जी वो
ग्रां से टेलीफोन आई अमा जी का। क्या कहें हाजरा कदों आ रही है शहर? भाई जान फिलहाल तो भाभी माँ ने सानू ग्रां बुलाया। अमर जी सॉरी इजाजत असी ग्रां से आई एक दो दिन बाद वापस आ जाए सी। ठीक है तुसी इस तरह करो कि वापसी ते हाजरा नू नाल लेंदे आना। ठीक है भाई जान। ठीक है तुसी खाना लगवाओ मैं चेंज करके आना। जी अच्छा। जान तुसी की गलत तो कुछ नहीं बोल बेटा मैं माँ हूँ तेरी ते माँ पुत्र के चेहरे से लिखी हुई परेशानी पढ़ सकती है तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो इस वजह में परेशान हूँ। जी बाबा जान आजकल नौकरियां बगैर किसी सोर्स से किधर मिलती हैं? अब्बा जी ना आप सिफारिश कर दें उन्होंने किसी को जाने देंगे बस होते हर वक्त मेरिट 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 की रट लगाई रखते हैं। बेटा दरिया उस वक्त तक दरिया रहेंगे जितने तक तो दरिया कुदरत के बनाए कानून के मुताबिक रवा दवा रहे समंदर के पैर टेक के दरिया अपनी हैसियत हमेशा हमेशा उसे खो दे दे। बेटा तेरा अब्बा जान भी किसी के कदमे टेक के अपनी हैसियत नहीं खोना चाहती है। अब्बा जान ठीक है लेकिन देख बेटा अगर तू कोई सिफारिश ढूंढ सकना तो आप से आप ही ढूंढना। ठीक है बाबू जान लगता है मैं आप ही कुछ करना पैसे जस लेकिन इस गल का तेरे अब्बा जान ने पता नहीं लगना चाहिए। बड़े खास मेहमान आ रहे तुसी फिकर ही ना करो बीबी जी खाना बड़ा मजेदार हो सी बड़े थोड़ा टूर किसा रहे पापा बहुत जबरदस्त। एक्सक्यूज मी पापा हेलो हेलो रोमन हाउ आर यू योर गुड नेम प्लीज। लगता है कि कल दे वाकई दी वजह नाल तू अजे तक मेरे से खफा है। हामिद स्पीकिंग। ओ तुसी फोन दा मतलब मेरा मतलब है कोई कम आया? एक्चुअली कल दी वाकई दी वजह नाल मैं खुद नू गिल्टी पे महसूस करना है अगर मैं तुहाडे मामले च ना बोलदा ते शायद बदमजी की पैदा ना होती। ओ नो नो खावर बंदे इसी किस्म दे वे एक्चुअली मैं नाश्ता भी करनी आई हूं। ओ वंस अगेन सॉरी थैंक यू या वेलकम अल्लाह हाफिज। बेटा नाश्ता कर। थैंक यू पापा। इंस्पेक्टर रुस्तम। यस सर। नवाब जंग बहादुर दी धी दे उते कातलाना हमले दी केस से तू अच्छी तरह वाकिफ है। उस हमले दी कार उन दा ड्राइवर भी जख्मी हो गया है। यस सर। बड़े अफसोस की गल है
लात कल उस वाक्य का एक मुजरिम भी गिरफ्तार नहीं होया। सर अगर नवाब बहादुर यार जंग या उसी धी ने किसी तरह अपना शक जाहिर किया होता तो यकीनन पुलिस होने तक किसी कार्रवाई के नतीजे तक पहुंच चुकी होती। देखो इंस्पेक्टर, मुजरिम का खोज लगाना, मुजरिम को गिरफ्तार करना पुलिस का फर्ज है। यस सर। ड्यूटी। यस सर। साड़ी कमजोर कारगर्दगी की वजह नाल आवाम का एतमाद पुलिस से उठता जाता पिया है। अवामी एतमाद को बहाल करना बहुत जरूरी है। यस सर। एस आई सजावल खान एक नवा बंदा है, उसका इतना तजुर्बा नहीं। इस वास्ते नवाब जंग बहादुर की केसली फाइल उससे लेके तुम मार्क किया गया है। यस सर। और वैसे भी एक केस तेरे थाने की हदूद का है। सर मैं थोड़े एतमाद के पूरा उतरने की पूरी कोशिश कर सकता। वेरी गुड। मनु तेरे से एह ही उम्मीद है। यू मे गो नाउ। इंस्पेक्टर रुस्तम, टेक केयर। ओके सर। ले मासी, तेरे पोते दी पट्टी हो गई है। तेरे जख्म भरने च कितने दिन लग सन? तीन चार दिन च चंगा पहला हो जासी, लेकिन ख्याल रखना ऐ शरारती किधरे फिर पट्टी ना उतार देवे। बड़ी मेहरबानी तेरी दी है। अल्लाह तेनू अच्छा करे, तेरे नसीब अच्छे हो। देख शबो, तू नर्सिंग का कोर्स करके भी तो घर बैठी हुई है। मैं तो है वहां पर, तू भी, तनु भी तो जमील भाई ने इजाजत नहीं दी। और ना मनु, असं ग्राएं दी लड़कियां पंग जितना मर्जी है पढ़ लिख लेवा, साडा अंजाम एक ही है, शादी। पलवशा, तू ठीक ही कहनी है। अच्छा नहीं, वो सामान तेरे किधर रखा? गाड़ी में गाड़ी सारा सामान रख दा तुम यार। हां बच्चों। जी भाई, की गल है? मैंने सुने आज तुसी शिकार ते जा रहे हो। भाई जमील जिद पे कर रहा है कि बड़ा अरसा थाने मछी का शिकार ही किया। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन एहतियात करना। तुसी बेफिक्र हो। अबू जी, कुछ देर पहले वो मेरे अखबार के एडिटर साहब का फोन आया। अच्छा, ते वो कन के थोड़ा इंटरव्यू करना है। मैं समझ गया बेटा जी, मैंने जमीन की कुर्बानी सस्ती शोहरत हासिल करने वास्ते नहीं की थी। नहीं, लेकिन उसका तो मतलब ये नहीं है। ठीक है बेटा, मैं समझ रहा। वो तीसरा करने के किसी दिन चले जैसे। ठीक है। अच्छा तुसी कहो तो मैं उन्होंने दस दूँ। हाँ प्लीज प्लीज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ अच्छा अच्छा, तू उन्हें दस दे तू कि तने पुत्र को समझा देता है ना। जब मिल कहें कि गलती मेरी नहीं, ज्यादा खावर दी। मैं पता है, मैं सब कुछ जान रहा हूँ। साड़ी औलाद इस किस्म की हरकत कर ही नहीं सकती, क्योंकि साने साने अपनी औलाद की तरबियत कोई कसर नहीं छोड़ी। बाते तुम जमील के बजाय खावर में समझाना चाहिए ना। मैं उसे प्यो नाल गल कर सा। खावर बड़े प्यो का पुत्र सही, पर छोटे दिल का मालिक। तेरे ग्रां दी ताजा हवा ते खुली फिजा दा एक अपना ही मजा है। लेकिन मैनु लगदा है ये फिजा ते हवा जमील नु रास नहीं दी। छोड़ो यार, किस दा जिक्र लाए बैठे हो? उस बेचारे दी औकात ही केवे। अजी तेरा भतीजा जमील दी फेवर च
बड़ा वध-वध के पिया बोलता है। अगर मैं तेरा लिहाज ना होता तो मैं उसको वो सजा देता, सारी जिंदगी याद रखता। शाह तू अपना दोस्त है परा रहे, जरा अपने भतीजे नु समझा दे, वरना मेरा मौस फिर जैसी आ। हाँ मैं उन्हें समझा दे सा, फिक्र ना करो। बाकी रह गई गल जमील दी, ते खावर मलक अपने रस्ते का कूड़ा इस तरह साफ करता है जितने मक्खन चो वाल निकलता है। आओ मेरे मन सिर्फ पलवशा देख लीती उसी है ना कोई और लड़की। ओ नहीं नहीं पलवशा, इस सूरज भी कदी मशरक दी बजाय मगरब से निकले। दरिया अपना रुख बदल सकते हैं, लेकिन पलवशा तेरी जगह कोई और लड़की नहीं ले सकती। ए वही कहना चाहना ना तू? बिल्कुल वही कहना चाह रहा है मैं। पलवशा मेरी गल तो सुन ना तू। नहीं सुननी। देख एक छोटी जी मेरी गल सुन। नहीं सुननी, नहीं सुननी। तू मनु नहीं पहचाननी है? मैं तेनू बहुत अच्छी तरह पहचाननी है। तवा पता है जो तू मैनू कई कई दिनों तक अपनी शक्ल नहीं दिखाना ना, तो मैं सोचनी हूँ मैं कैसा वो कैसा, लेकिन जब सामने आना है तो पता है मेरा दिल की कर दे। की कर दे? दसा? बिल्कुल ये कर दे, ये कर दे। लगे पता हो बड़ा पहला दिल कर रही यार। एक गल तो दसो, मेरे पापा दी अपनी तारीफा दी वजह पूछ सकनी हूँ? नवाब साहब आज तक अखबार पढ़ा तो नहीं? क्यों कोई खास खबर है? ये आज तक अखबार दिस करते हैं अपना मीर कलम खान बड़ा लंबा तो चौड़ा इंटरव्यू है। अच्छा 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 अच्छा, वो उसका एक निक्का पुत्र है ना बड़ा ओवर स्मार्ट जहाँ नड़ा है अखबार वाले पीछे आगे पीछे होने रहते हैं। मेरा ख्याल उसने कुछ सच झूठ लिखा उसी। नहीं लेकिन आज की खास खबर है वे तुसी देखो तो सही कि वो साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन इदारा बनाना चाहती है, तो मीर कलम खान ने उसनु उस इदारे वास्ते अपनी 100 कनाल जमीन दी थी और इस वक्त ते वो इंतकाल दे प्रोसेस तेज करो पे गुजर दे। मीर कलम खान ने अपनी जमीन वक्फ कर दी थी और उसकी ख्वाहिश थी तजवीज थे गवर्नमेंट ने गौर कर देना शुरू करता है तो पता ही नहीं। लेकिन मलिक तो गल तो पता नहीं गया, इस जमीन के उत्ते ज्यादातर साढ़े मजारे का कब्जा है। ओ सारी अच्छा मैं एक गल कहना तो भूल ही गया, तुम तो खुश होना चाहिए इस वास्ते कि साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जिस वक्त उसका इदारा बना सी ते वो पीर कलम खान दी जिन्हें जमीन वो तो उसे अच्छा निकल जा सब बाकी रह गई थोड़िया जमीन ते मेरी जमीन ते वो इलाका जो है वो तो कमर्शियल हो जाए साढ़ा तो फायदा है। नो नो नेवर नेवर देख मत कुछ वक्ती कमादिश कर इंसान नुकसान नजर आ गया लेकिन वो नस्लों से तबाह कौन होंगे तो कुछ काम ऐसे होंगे जिन्हें च नुकसान नजर आता है मगर वो एक तारीख बन जाती।
ਓਏ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਪਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕ ਸਾਬਰ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਗਈ। ਅਸਤਾ ਬੋਲ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੂਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਦੇਖ ਕਰਮੂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸੇ ਕਦੀ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਕਦੀ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਦੇਖ ਗੁੱਡੋ, ਮੇਰੇ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਮੈਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜੁਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਲਾਉਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡਾ, ਤੂੰ ਚੀ ਹਵੇਲੀ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇਰੇ ਤਫੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੈਡਰੂਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿੰਦਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੈਤੂਨ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਫਿਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਜਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਰ ਪਦਰ ਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਪਿਆ ਖਾਂਦੇ। ਸ਼ਬੋ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ? ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਗੈਰ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੌਕਰੀ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ। ਨੇਕ ਬਖਤ, ਅਗਰ ਮੈਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਕਦਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਰਿਟ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀਆ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਸੀ। ਆਖਿਰ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਸੀ, ਮੈਚਿੰਗ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ, ਯੂ ਨੋ। ਨੋ ਮਾਈ ਡੀਅਰ, ਨਾਜ਼ੀਆ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਿੰਗੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜੀ ਫਰਮਾਓ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਮੀਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬੀਬੀ ਜੀ, ਹੀ ਟੈਲ ਟੈਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਫੋਨ ਕੰਮ, ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਆਈ ਟੈਲ ਆਈ ਆਸਕ ਆਸਕ ਬੀਬੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਮ ਲੇਡੀ ਵੇਅਰ ਨਾਜ਼ੀਆ? ਯੈਸ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ 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 ਜਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਆਈ ਟੈਲ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆਇਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਮੀਲ ਤੇਰੇ ਫਲਰਟ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਰੁਮਾਨ ਇਤਿਹਾਤ ਕਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ ਜਸਟ ਲੀਵ ਇਟ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਲਾਓ ਕਿ
खावर मलिक के बारे तुहाडा इरादा कुछ बदलिया या उत्थे ही खलोते हो? देख रुमान, तेनू खावर इतना बुरा क्यों लगता है? देख, हालांकि वो कितना स्मार्ट ते कितना बहादुर नड़ा है, है ना? स्मार्ट, बहादुर। अच्छा, मैंने बड़ा अफसोस है वैसे। अच्छा ठीक है, नाजिया आ रही हैं। जस्ट अ मिनट यार। सॉरी यार, मैं लेट हो गई। दरअसल पापा का फोन आ गया सी, तो मैं गल कर रही सा। पापा का फोन? तने मैंने नहीं बताया कि अंकल ने फोन किया है। यार कोई गल ही कुछ ऐसी सी। के गल है? यार मेरे पापा ने तेरी डैडी नाल मेरे रिश्ते की गल की है। व्हाट इज दैट यार? के दिमाग ठीक है यार? ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्यों है, के गल की है रिश्ते की? यार को लड़का कोई पाकिस्तानी है, ते मनु उन्हें नहीं पता कि किथे रहंदा है, कौन है, के करदा है, कुछ नहीं पता मनु। जस्ट रिलैक्स, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं की। मेरे पापा बड़े ब्रॉड माइंडेड आदमी हैं, ते वो कोई भी फैसला करने से पहले तेरे से ही ते मेरे से मशवरा जरूर कर सन। अच्छा, तुहाडा इरादा है जाने दे कि नहीं? मेरा तो जाने दा इरादा है। वह तुसी सुनाओ, तुसी खलो के ते बहस शुरू कर दित्ती है हुण। असी ठीक ठाक लेट हो चुके हैं पहले ही। चलो चलो मैडम, चलो चलो चलो। तुसी बिल्कुल फिकर ना करो, थोड़ा कम हो जैसी। हाँ हाँ, क्यों ना हो सी। ओके ओके, खुदा हाफिज। सलाम मलिक साहब। आ करू, क्या ले तेरा? बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। करमू, लगता है तेरी नवी वोटी गुडो है। जी मलिक साहब, सोने बिल्कुल ठीक पछाने, ब्रेक लगा के। अच्छा, ये दस के घर के हालात किस तरह ने? घर के हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं है मलिक साहब। डॉक्टर ने किया कि नूरा लैके आओ, जो कोई सब तबीयत खराब है, तो मेरी जेब दे शिकार एक टके की दरुक नहीं लगती ब्रेक लगा के। करमू, अगर तू चाहे तो तेरे हालात ठीक हो सकते। गुडो काम काज वास्ते इतने आ जाया करो, तेनू खर्चा पानी मिलता रहे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लगा के। लेकिन मलिक साहब, फरमाओ, समझा दे अपनी नवी वोटी नू कि मलिक खावर कार सुनने दादी निगा। हां, तुसी चाह पी के जाना। देख बिड़ो, देख वे छोटे मलुक साहब कितनी बड़ी मेहरबानी कर गए साढ़े ते ब्रेक लगा के। ते देख तू इथे मुंह लटका के खलोती है ब्रेक लगा के। वे इन्हां नोटां दे नाल कार दा खर्चा भी चल जसी, ते तेरा नशा पानी भी पूरा होंदा रसी। देख करमू, मैंने कह दिता कि मैंने किसी सूरत मतलब खावर के घर काम नहीं करना, नहीं करना। गल सुन गुडो, ओ गुडो गल सुन, ब्रेक लगा। कोई गल नहीं सुन, मेरी गल तो सुन ना गुडो, मेरी गल सुन। ओ चप्पड़ गंजू तू, लोफर लफंगे, पाई जरा इधर आओ, ये आज फिर भी मैं तंग कर देन। कितना प्यारा मौसम। हाँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कितना फर्क है त्वाड़ी तो रोमान दी तबीयत चकार। सच खावर, मैंने भी तुहानू बहुत मुख्तलिफ पाया, सबसे अलग। मैं सोचता हूँ कि त्वाड़ी ते रोमान दी दोस्ती किस तरह पे चलती है। मैं कुछ समझी नहीं गया। तुसी एक सोबर अच्छी पर्सनैलिटी दी मालिक, ते रोमान बदमिजाज ते नकचुड़ी।
सच खबर मैंने भी तुम्हानू बहुत मुख्तलिफ पाया। एक्सक्यूज मी। मलक तेरी मंजिल ए निगी। ए मंजिल तो निगी लेकिन अपनी मंजिल ते पहुंचने वास्ते सीढ़ी जरूर है। मलक अगर तने प्रोफेसर मीर सी रोमान की बेइज्जती का बदला ले लेता होंदा ना तो शायद रोमान दे दिल तेरे वास्ते जगह बढ़ जाती। पर तेरे नवाज साहब ने ते कोई एक्शन नहीं लेता है। यारो नवाब साहब बड़े ठंडे मिजाज आदमी है, वो हर कदम बड़ा सोच समझ के चुकता है। बाकी रह गई रुमान की गल तो मेरे प्यार की करनी एक दिन उन्होंने जरूर पिघला दी सी। हाँ